जैसे देख पा रहे हैं आज मेरे पास है होंडा एक्टिवा 110 BS4 वाला वेरिएंट है, बट स्टार्टिंग प्रॉब्लम इसमें बहुत ज़्यादा है। गाड़ी सबसे पहले बता देते हैं इसमें क्या क्या चीज़ किए हैं, इसमें काम और कहाँ से इसका स्टार्ट, उसके बाद से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। सबसे पहले कस्टमर इसको लेकर आए थे पिकअप प्रॉब्लम के लिए, लेकर आए थे गाड़ी, उस वक्त चालू कंडीशन में थी। तो दोस्तों सबसे पहले बता दें उस समय मतलब गाड़ी बहुत दिनों से रखी हुई थी। तो यहाँ पे भी इसके देखने आए हैं कि इसमें जब भी कस्टमर बोल रहे थे पिकअप प्रॉब्लम है, तो इसका क्लच कवर को खोला गया और इसके अंदर क्लच शू असेंबल किया गया। क्लच शू असेंबल करने के बाद से क्या हो रहा है कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है तो कहाँ से चेक करेंगे, क्या क्या चीज़ चेक करेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक प्रोसेस बताएंगे और इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम पकड़ेंगे कि कहाँ से है। अभी देखिए मैंने इसके पास, अभी जो ये मैकेनिक भाई के पास आया है, यहाँ से इसके प्रॉब्लम को हम शॉर्ट आउट करेंगे। तो यहाँ पे इसका मेन फिल्टर को इन्होंने ओपन करके रखा है, कार्बोरेटर को क्लीन कर दिया है, सेकेंडरी फिल्टर यहाँ है जो इसके बारे में इनको पता नहीं था, इनको ओपन नहीं किया है। तो स्टार्टिंग प्रॉब्लम का एक ये भी यहाँ पे एक मेन मकसद होता है, प्लस इसका कनेक्शन हटाया है, बैकलाइट और इंडिकेटर का कनेक्शन जो पीछे की ओर जाता है, क्योंकि एक्चुअली आपको पता होगा इसकी बॉडी का जब भी आप कनेक्शन हटाइएगा तो यहाँ से कनेक्शन हटाना पड़ेगा। तो अभी आपको हम इसके मैग्नेट साइड से चेक नहीं करेंगे, क्योंकि मैग्नेट साइड से चेक जब भी किया जाता है जब गाड़ी में करंट नहीं आओ। बट यहाँ पे क्या होगा, इसके इग्निशन को ऑन कर दिए, सेल्फ वगैरह डाउन है, बैटरी डाउन है, तो क्या होगा कि देखिए इसमें करंट तो आ रहा है बट गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। ये देखिए करंट इसमें प्रॉपर आ रहा है बट गाड़ी कहाँ हो रही है, स्टार्ट नहीं हो रही। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, वीडियो में एंड तक बने रहिए, एक एक प्रोसेस के बारे में बता देंगे किस तरह से गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट क्यों नहीं हो रही, गाड़ी में कहाँ से प्रॉब्लम है, किस जगह से इरिटेट हो रहे कस्टमर और मैकेनिक भाई को समझ में क्यों नहीं आ रहे कहाँ से प्रॉब्लम है सर। तो चलिए फट से वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि पर डे इसी तरह से टेक्निकल और हेल्पफुल वीडियो लाते रहें। चलिए फट से वीडियो को शुरू करते और आपको एक एक प्रोसेस बताते हैं, शुरू से आपको एंड से फट से आपको चालू करके दिखाते हैं कहां से इसका प्रॉब्लम होगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला स्टेप दोस्तों, हम जब भी चालू करते हैं सबसे पहले जो हम पेट्रोल को चेक करेंगे कि हमारी गाड़ी में पेट्रोल आ रहा है या नहीं। तो जैसे किक को यूज करेंगे क्योंकि एयर कंप्रेसर से इधर से पेट्रोल आता है, तो यहां पे इसका हम दिखा देंगे आपको, थोड़ी सी अच्छी जगह पे गिराएंगे ताकि इसका पेट्रोल इधर से वेस्ट ना हो। चलो किक मारो, तो ये देख पा रहे हैं इसमें पेट्रोल एकदम प्रॉपर आ रहा है और कंप्रेसर इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इसमें प्लग भी इंस्टॉल है। तो इसका सबसे पहला है कि प्लग, इस पर पेट्रोल आ रहा है, तो दूसरा स्टेप हमारा प्लग। तो आपको थोड़ा सा क्लियर यहाँ पे दिख पा रहा होगा, ये देखिए इसका स्पार्क प्लग जो एकदम न्यू लगा है क्योंकि दूसरा वाला स्पार्क प्लग है। ये देखिए इसका जो स्पार्क प्लग यहाँ पर असेंबल था, ये इसका स्पार्क प्लग है जो पहले से इस पर असेंबल था, तो इसको मैंने निकाल के इसके अंदर नया स्पार्क प्लग डाला। ये हो गया हमारा पेट्रोल भी सही है, स्पार्क प्लग भी सही है। अब हम चेक करेंगे इसमें करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्यों स्टार्ट नहीं होगी गाड़ी। सबसे इंपॉर्टेंट हमारा है कि प्लग सही है, पेट्रोल सही आ रहा है, करंट सही आ रहा है, कंप्रेसर एकदम बेटर है, तो गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं होगी। स्टार्टिंग का जो मेन रीज़न यही सब होता है, लास्ट में देखा जाता है कि सारा चीज़ सही होने के बावजूद भी स्टार्ट नहीं हो रही है, तो उस सिचुएशन में टाइमिंग चेक करना पड़ेगा। तो हम वहाँ तक भी जाएंगे, सारे हदों तक हम जाएंगे और गाड़ी को फाइनल स्टार्ट करेंगे। तीन सब चीज़ों को देखने के बाद क्या होगा कि आपको सीखने लायक सारी चीज़ें मिल पाएगी। तो आपको टाइमिंग भी दिखाएंगे कि हमारी गाड़ी का टाइमिंग परफेक्ट है या नहीं। तो ये हमारा प्लग और पेट्रोल सही है, और दूसरा कि हमारा कार्बोरेटर में भी हो सकता है डस्ट है, तो कार्बोरेटर मैंने ऑलरेडी क्लीन कर लिया है, कार्बोरेटर हमारा एकदम प्रॉपर है, तो कार्बोरेटर साफ हो गया। करंट अब हम चेक कर लेते कि हमारी गाड़ी में करंट है या नहीं। तो मारो कि तो दोस्तों यहां पे आप करंट देखो, ये देखिए बस करंट भी प्रॉपर है। तो देखिए हमारा पेट्रोल भी सही है, स्पार्क प्लग तो नया इंस्टॉल कर दिए, करंट भी प्रॉपर है। तो जो लास्ट हमारा है फाइनल, एक बार सिर्फ इसमें हम अपना तरीका आजमाएंगे, इसके अंदर यहाँ पे हम हाथ से चौक डालेंगे क्योंकि बहुत सी बार होता है कि चौक हमारा प्रॉपर काम नहीं करता। तो एक बार इसमें हम उंगली लगा के हाथ से चौक डालते क्योंकि गाड़ी बहुत दिनों से खड़ी हुई थी और इधर भी लगता कट वगैरह है, तो इधर सही है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक बार हम हैंड से चौक देते हैं, हाथ से चौक देते हैं, उसके बाद फिर लास्ट में इसके टाइमिंग देखेंगे। बहुत से बार होता है कि मैग्नेट का की इसका टूट जाता है, या फिर आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि ये सारा चीज़ सही होने के बावजूद भी गाड़ी स्टार्ट ना हो तो क्या चीज़ प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आपको समझ में आ गया है तो नीचे फट से कमेंट कर दीजिए ताकि आप लोग को समझ जाए कि हाँ आप लोग के अंदर भी समझदारी है। तो ये सारा चीज़ चेक कर लिया, अब एक बार हम क्या करेंगे, इसके अंदर यहाँ पर हाथ डाल के इसके अंदर चौक डालेंगे। तो फाइनली इसके जो है मैंने प्लग को ओपन कर लिया, अब देखिए कंप्रेसर इसका एकदम अच्छी बन रही है और इसका
तो यहाँ पे आपको देख पा रहा हो करंट भी एकदम प्रॉपर आ रहा है। तो लास्ट इसमें जो डॉट जाता है हमारा टाइमिंग पर जाता है कि अगर हो सकता है टाइमिंग आउट हो जाए, बट कस्टमर का कहना है कि 2 से 3 दिन पहले गाड़ी को स्टार्ट करके रखा गया। तो सबसे पहले इसके ओपन करते हैं मैग्नेट साइड को और आपको हेड को ओपन करके एक बार टाइमिंग चेक कर लेते हैं कि टाइमिंग सही है या ख़राब है। तो दोस्तों देख पा रहे हैं इसके फैन कवर को एकदम ओपन कर चुके हैं, इसके मैग्नेट की कंडीशन से लग रहा है कि इसका बहुत दिनों से गाड़ी रखी हुई थी। देख पा रहे हैं इसका मैग्नेट किस तरह से कंडीशन हो चुका है। तो यहाँ पे आपको एक टी का निशान देखने को मिलेगा इस जगह पे, यहाँ पे एक निशान बना हुआ। अब इसके हेड के कवर को ओपन करते हैं और आपको हम दिखाते हैं कि इसमें स्टार्टिंग का प्रॉब्लम आखिर आया क्यों। जब कस्टमर का कहना कि 2 से 3 दिन पहले गाड़ी स्टार्ट थी, सिर्फ पिकअप का प्रॉब्लम इसमें पिकअप नहीं ले रही है। तो जब से इसमें जो मैकेनिक भाइयों ने असेंबल किया है इस पर क्लच शू, उसके बाद से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो क्यों स्टार्ट नहीं हो रही उसी के बारे में आपको बात करते हैं। तो उधर से मैंने टाइमिंग देख लिया, उधर ठीक है। अब इसके हेड के कवर को निकालने के बाद आपको हम दिखाते हैं इधर का टाइमिंग कैसा है। तो ये सारे जो स्टार्टिंग का प्रॉब्लम जो हम आपको गिनवाए हैं उसको आपको चेक करना है। तो फ्रेंड देख पा रहे हैं फाइनल जो आपको मेन टॉपिक के ऊपर अंदर ले आए, यहाँ पे देख पा रहे इसके टाइमिंग को जब भी हम यहाँ पे देख पा परफेक्ट ले आए हैं, यहाँ पे आपको एक 1 लिखा हुआ मिल जाएगा, नीचे 2 का निशान इस जगह पे मिल जाएगा, जिसके एकदम सिमिलर टाइमिंग यहाँ पे परफेक्ट दिख रहा है। बट मेन जो इसका रीज़न था, इसका टाइमिंग आउट हो चुका है। इसका टाइमिंग आउट होने का 3 रीज़न आपको हम बता देते हैं। या टाइमिंग टेंशनर इसका लूज होगा, ये देखिए इसका टाइमिंग टेंशनर बहुत ज़्यादा लूज है, जिसके कारण से इसका टाइमिंग स्लिप हो गया होगा। दूसरा इसका वाल्व टेढ़ा हो गया होगा, या फिर तीसरा इसका मैग्नेट का की टूटा होगा, इसी वजह से इसका टाइमिंग आउट हुआ है। आपको हम टाइमिंग आउट का प्रूफ दिखाते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारा पिस्टन अभी बता रहा है कि टॉप पर है, बट अगर मैग्नेट फ्लाईव्हील से आपको दिखाएं तो हमारा पिस्टन अभी टॉप पर नहीं है, क्योंकि कैमशाफ्ट का आपको टाइमिंग दिख रहा होगा कि एकदम परफेक्ट टाइमिंग पर है, बट आपको हम मैग्नेट साइड से दिखाते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखा दें इसका जो टी का सिंबल इस जगह पे आपको दिख पा रहा होगा, यहाँ पे जो देखिए मार्किंग का निशान है। तो जितने भी भाई हमारे होंडा एक्टिवा के इंजन को फिटिंग किए होंगे या फिर बहुत सारे वीडियो में देखे होंगे, ये जो टी का निशान है हमारा एक नीचे एक डॉट सा बना होता है, जो इसके राइट साइड के क्रैंक के गैस्केट में इस जगह पर जो करेंट सा होता है वहाँ पर एक निशान सा बना होता है। तो सामान्य होना चाहिए जो टी का निशान है, इसको बैक साइड नहीं होना चाहिए। तो इससे आपको ये कन्फर्म हो गया कि इसका वाल्व भी टेढ़ा हो गया है और इसके जो टाइमिंग आउट हो गया, यही रीज़न से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। यानी कार्बोरेटर भी सही है, सेकेंडरी फिल्टर और मेन फिल्टर भी सही है, टाइमिंग भी एकदम गलत है, टाइमिंग का ही प्रॉब्लम है, करंट भी एकदम सही है और कार्बोरेटर को भी क्लीन कर लिया गया। इधर आपको दिखा ही चुके हैं कि करंट वगैरह प्रॉपर आने के बावजूद भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो मेन जो रीज़न, मेन जो यहाँ पे टॉपिक था, इसका टाइमिंग आउट हुआ। तो ज़्यादातर इस तरह से होता नहीं है, ये मेन जो कस्टमर की गलतियों की वजह से होता है। जब भी इसका टाइमिंग आउट हुआ तो टाइमिंग चेन का बहुत ज़्यादा साउंड हुआ हो रहा होगा और पिकअप नहीं बना रही होगी गाड़ी, क्योंकि हमारा जो है ये सिलेंडर और ब्लॉक का प्रॉपर जो है खींच नहीं पा रही थी गाड़ी, पिकअप नहीं बना पा रही थी। तो इसी वजह से इसका का हुआ कि टाइमिंग चेन स्लिप हो गया और इसका टाइमिंग आउट हो गया। और इस सिचुएशन में क्या होता है कि हमारा वाल्व बेंड पड़ जाता है। इसको कंप्लीट ओपन करेंगे, फुल इंजन का काम करेंगे, और फुल इंजन का वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट कर दीजिए ताकि बहुत जल्दी इसके फुल इंजन फिटिंग का वीडियो लाते रहे। तो इसी तरह से पर डे टेक्निकल और हेल्पफुल वीडियो आप लोग को दिखाते रहेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि पर डे इसी तरह से टेक्निकल और हेल्पफुल वीडियो लाते रहे। आपको प्रूफ के तौर पर एक बार टाइमिंग दिखा देते हैं आपको। यहाँ तो एक टी का डॉट दिख रहा होगा, ये यहाँ पे एक निशान बना हुआ है जो इसको फ्रंट के ओर होना चाहिए, उस जगह पे होना चाहिए जो यहाँ पे पीछे है। और यहाँ पे आपको हम इस जगह पे दिखा दें, यहाँ पे इसका टाइमिंग एकदम परफेक्ट दिख रहा है। तो यानी इसका जो प्रॉब्लम है सिर्फ टाइमिंग आउट हो गया, इसी रीज़न से इस तरह से गाड़ी हमारी बंद पड़ी है। तो बहुत जल्दी इसकी फुल इंजन फिटिंग का वीडियो लाएंगे, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।